हेलो माय डियर व्यूवर्स, परसेंटेज के बाद अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है रेशो, जिसमें मैं जैसे सी डी ग्रुप के लिए और कांस्टेबल के लिए 10 क्वेश्चन डालने वाला है। जो 10 क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ, अगेन कि वो डिफिकल्टी लेवल के नहीं हैं, जिस तरह का पैटर्न और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं तो उसी तरह के डाल रहे हैं। दूसरी बात, आप में से जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग जिन्हें मैथ्स से थोड़ा सा फोबिया है, डर लगता है, तो उनके लिए परफेक्ट है। बस आप इतना कर लीजिए, इसमें से ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब मैंने डिफिकल्टी लेवल सेट नहीं किया है, मैंने लेवल सेट किया है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, और होप मेरी तरफ से सभी को, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट कि आप अपने आने वाले एग्जाम में थ्राइव और सर्वाइव कर सकें। ठीक है जी, चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रेशो से। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये ऑलरेडी एक हरियाणा के प्रीवियस एग्जाम कॉन्स्टेबल में आ चुका है। आप में से जो लोग हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के हैं, वहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज था, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि अगर दो संख्याओं का गुणोत्तर अनुपात, ध्यान देना इस वर्ड पे, हिंदी में इसको गुणोत्तर अनुपात बोला गया था। आप में से ज्यादातर अगर किसी बुक में से इसको पढ़ रहे हैं तो इसको ज्यादातर आपको मिलेगा औसत मीन प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको ये लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में आपको या तो ये मध्य अनुपात होगा या फिर गुणोत्तर अनुपात। ज्यादातर बच्चे मध्य अनुपात पढ़ते हैं, इसलिए गुणोत्तर अनुपात से कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कि क्वेश्चन ये है कि अगर संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत 7.5 यानी 7.5 है तथा इनका मध्यानुपात या फिर गुणोत्तर अनुपात 6 है, तो ज्ञात कीजिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी संख्याएं हैं। तो जैसा कि इसने कहा है कि मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं ए और बी है, तो इनका औसत कितना है? 7.5। 7.5 तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 7.5 × 2 15। सेकेंड, मध्यानुपात या गुणोत्तर अनुपात क्या होता है? बेसिकली अगर ए और बी आपके पास दो संख्याएं हैं तो मध्यानुपात होता है √a × b। तो अगर आपके पास दो संख्याएं जिनका सम आपका 15 हो गया और मध्यानुपात a × b, और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? कि ये 6। तो मैं कह सकता हूं a × b 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब आपने इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इसलिए बता दिया कि आपको थोड़ा सा मध्य अनुपात की नॉलेज हो जाए कि मध्य अनुपात बेसिकली क्या है। दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका अंडर रूट आप ले लो। आपके पास एग्जाम में ऑप्शन इस तरह से होंगे 10 15, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, 8 7 सेकेंड ऑप्शन, 12 3 एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपका कॉन्स्टेबल में आ चुका है। तो अब जैसे कि देख रहे हैं कि औसत मुझे 7.5 चाहिए, तो 8 और 7 का औसत कितना है? 7.5, बट इसका मध्य अनुपात 6 नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर आप 12 और 3 को उठा लेते हो ऑप्शन को, तो आपको एक बात पता लगेगी कि 12 × 3 इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया? 6, जबकि 12 और 3 का जोड़ कितना है? 15 है। तो यू कैन से कि हमारे जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी? 12 एंड 3। इस तरह के क्वेश्चन को आपने ऑप्शन से करना है। कहीं कन्फ्यूजन है तो आप रिपीट करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये कुछ टर्म्स बनती हैं रेशो के अंदर, जैसे कि मीन प्रोपोर्शनल, सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन से ही है, यानी कि चतुर्थानुपाती। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास तीन संख्याएं दे रखी हैं, 5 9 और थर्ड है आपकी 27, और आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती, आप में से जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये दिया हुआ है। तो चतुर्थ अनुपाती के लिए सीधा सा फंडा है कि पहली दो का रेशो इक्वल टू होगा लास्ट दो का रेशो। तो अगर आप इसको लिखोगे तो 5/9 इक्वल टू 27/x, और x को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 27 × 9/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आप इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 3900 रुपए को तीन व्यक्ति ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का दुगुना बराबर है बी के भाग का तिगुना बराबर है सी के भाग का 4 गुना। तो आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कहा क्या गया है कि कुल पैसा या जो कुल रुपए हैं जो आपको डिवाइड करने हैं वो 3900 है।
और आपको दिया गया है कि ए के भाग का दुगुना बराबर है बी के भाग का तिगुना बराबर है सी के भाग का चार गुना। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको कहीं दिखता है तो नॉर्मली हम किसी कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं, कुछ भी इक्वल रखते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई लिखे गए हैं आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो मैंने ये 12 के इक्वल लिख दिया। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 बाय पुटिंग ए इक्वल टू 12/2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/3 यानी इट विल कम 4। 4C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4 3। तो मैं कह सकता हूँ A, B और C की रेशो A रेशो B रेशो C 6:4:3 होगी। यानी अब पैसा अगर बटेगा तो वो 6:4:3 यानी 6:4:3 में बटेगा। तो अगर आप टोटल रेशो को ऐड कर दो तो वो 13 पार्ट बनती है, 13 हिस्से बनते हैं और वो 13 हिस्से 3900 रुपये के बराबर है। ये 3900 रुपये के बराबर है। यहाँ से एक हिस्सा बराबर किसके हो गया 300 के। अगर आपका एक हिस्सा 300 के बराबर है तो ए को कुल कितने हिस्से मिल रहे हैं 6। तो 300 × 6 योर आंसर इज 1800। और अगर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इट विल 300 × 4 1200। और अगर सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3 पार्ट तो 300 × 3 इट विल 900। तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को मेन जो क्रिटिकल इश्यू इसमें रहता है वो ये रहता है कि आप अगर नंबर ऐसे दिया गया है उसकी रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपने ऐसे रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अगला क्वेश्चन HSSC ग्रुप डी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप कहीं भी अगर पढ़ रहे हो तो रेशियो के बेसिक्स में इसको पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन है आपका कि एक्स रेशो वाई यानी एक्स और वाई का अनुपात 3:1 है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है x³ − y³ = x³ + y³। कंसेप्ट वंसेप्ट की हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल क्वेश्चंस को डन कर रहे हैं। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप कह सकते हो कि x/y 3/1 है। इट मीन्स आप y की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए रख सकते हैं 1 और यहाँ रख सकते हैं 3। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ रख रहा हूँ तो 3³ − 1³ = 3³ + 1³। इससे ये वैल्यू आएगी आपकी 27 − 1 = 26 और 27 + 1 = 28, जिसको फर्दर कैलकुलेट करके आप आंसर ले आओगे 13:14। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए कभी भी तो सिंपल सी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपको ये जो रेशियो लिखी है इसी को आप एज ए वैल्यू कंसिडर करके ऑप्शन के अंदर रख दें और आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो नेचर रहता है इस तरह के एग्जाम्स में वो ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि ना तो बहुत कैलकुलेटिव दिए जाएंगे क्योंकि ये 10th लेवल का एग्जाम है डी ग्रुप का आपका और जो कॉन्स्टेबल है वो 12th लेवल का है। तो समवर्ड क्वेश्चन एक दूसरे के नज़दीक ही रहेंगे, कोई ज़्यादा लेवल अप नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या का 3/5 अगर किसी दूसरी संख्या के 75% के बराबर हो तो आपको उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या कहा मैंने कि किसी संख्या का 3/5, मान लीजिए वो संख्या ए है तो उसका 3/5 बराबर किसके है दूसरी संख्या के 75% के। मान लेते हैं दूसरी संख्या आपकी 75% है। अब नोट करना, आप में से जो कोई भी थोड़े बहुत दिन से तैयारी कर रहा है तो उसे पता होगा कि 75% को फ्रैक्शन में 3/4 लिखा जा सकता है। अगर नहीं भी याद है तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि परसेंटेज के नाम का आप नीचे डिवाइड में 100 लिख सकते हो। यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो इट विल कम 3/4। तो आपने ये वैल्यू यहाँ 75% की जगह रख देनी है। तो ए का 3/5 = b का 3/4। यहाँ से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और आपकी a/b = 5/4। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर ये कंडीशन फॉलो करनी है तो a और b जो दो नंबर हैं उनकी रेशो क्या रहेगी 5:4 यानी 5:4 रहेगी। ओके, फिर अगेन आई मेंशनिंग कि कोई डाउट है तो आप वापस वीडियो को रोकिए, चेक कीजिए कहाँ क्या कुछ है और आप उसको दोबारा कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब क्योंकि ग्रुप डी के लिए टाइम थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाएं। अभी तो मेरा टारगेट 10 क्वेश्चंस का ही है, क्योंकि इसमें मैं वीक बच्चे को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। जिसको आता है मैथ्स, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो आप में से कमज़ोर है थोड़ा सा, तो वो ध्यान रखें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्वेशन बेस्ड होते हैं और बेसिक एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से सेट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट के कुछ एग्जाम्स को ट्रेंड को देखने के बाद ही मैंने इस तरह के क्वेश्चन सेट किए हैं, प्लस मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पांच आम, आम को मैं लिख रहा हूँ ऑरेंज, सॉरी आम मतलब मैंगो, तो मैंगो को मैं एम से लिख रहा हूँ, कि पांच आम और चार संतरों का दाम। तो पांच आम प्लस चार संतरे ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि ओ यूज करूंगा बाद में मैं इसका, इनका दाम बराबर है तीन आम प्लस सात संतरे, यानी कि पांच आम और चार संतरों का दाम बराबर है सात आम, सॉरी तीन आम प्लस सात ऑरेंज। ये कंडीशन आपको दी हुई है, दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि आम और संतरे का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी इजी। डी ग्रुप का बच्चा खासकर इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान दे, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, पर जिसको जो चीज समझ में नहीं आती उसके लिए वही डिफिकल्ट बन जाती है। तो इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि पांच आम और चार संतरों का दाम बराबर है तीन आम और सात ऑरेंज के, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, कुछ नहीं, आपने अब इक्वेशन सोल्व करनी है। आप सभी आम को इधर ले जाएं और सभी संतरों को इधर ले जाएं, तो आप कहोगे कि पांच आम माइनस तीन आम बराबर सात संतरे माइनस चार संतरे ऑरेंज। यहां से आपका क्या मिलेगा कि दो आम बराबर हैं तीन ऑरेंज के, तो यहां से आम बटे में ऑरेंज बराबर है 3:2, यानी कि आम और संतरे का दाम 3:2 में है।